विदिशा जिले के पठारी में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस और किसानों ने मांग की है कि रबी सीजन में कोरोना के प्रकोप से परेशान किसानों में जैसे तैसे उभर कर खरीफ की बोनी की थी, लेकिन सोयाबीन उड़द की फसल में वर्षा के कारण कीट बीमारी का प्रकोप फसलों पर छा गया है। भारी बारिश ने फसलों को चौपट कर दिया है। ज्ञापन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मांग की गई है कि किसानों की सोयाबीन उड़द की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द सर्वे प्रारंभ कराया जाए और नुकसान का सही आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों की सभी तरह की ऋण वसूली स्थगित की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यादवेंश यादव एवं समस्त कांग्रेस किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदिशा पठारी से कैमरामैन नेताराम साहू के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।